गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। पिछले लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था और लाइंस वगैरह के बारे में पढ़ाया था, और अब आज हम डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए किस तरह से वस्त्र का चुनाव किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो नवजात शिशु के लिए वस्त्र का चुनाव, बच्चों के लिए वस्त्र का चुनाव, किशोर युवक और युवतियों के लिए वस्त्र का चुनाव, महिलाओं के लिए वस्त्र का चुनाव और पुरुषों के लिए वस्त्र का चुनाव के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है नवजात शिशु के लिए वस्त्र का चुनाव। चूंकि नवजात शिशु बहुत ही छोटा है तो उसके लिए बहुत ही आरामदायक वस्त्र होने चाहिए, तो सूती वस्त्र हमेशा उसके लिए हमको चुनना चाहिए। और सूती वस्त्र चूंकि कोमल भी होते हैं, बहुत हल्के भी होते हैं, उसके अलावा वो अगर वो खेलते हैं या गीला कर देते हैं तो पसीना भी सोख लेते हैं, तो उनको इचिंग या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उनके त्वचा पर भी अगर वो कॉटन कपड़ा लगता है तो उनको कोई रैशेज वगैरह नहीं पड़ते हैं, उनके लिए आरामदायक होता है। फिर जो सूती वस्त्र हम बच्चों के लिए उसका चुनाव करेंगे तो उसमें जो कलर्स होंगे वो गर्मियों में हम हल्के कलर यूज़ करेंगे और सर्दियों में हम गहरे कलर का इस्तेमाल करेंगे बच्चों के कपड़ों के लिए। और उसमें भी गर्मियों में बहुत ही छोटी छोटी बूटियाँ, छोटे छोटे फूल और इस तरह से हम बिंदियाँ इस तरह से पसंद करेंगे, और सर्दियों वाले जो गहरे रंग के कपड़े हैं उनमें हम बड़े बूटे या कुछ और डिज़ाइन भी पसंद कर सकते हैं। और चूंकि नवजात शिशु बार बार में उनके कपड़े गीले भी करता है, गंदे भी करता है, उल्टी शूशू वगैरह उससे गंदे हो जाते हैं, तो बार बार में उनके कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। इसलिए उन्हें कॉटन कपड़े तो हम पहनाएंगे ही, लेकिन जो उनके ड्रेसेस होते हैं वो बहुत भारी वजन के नहीं होने चाहिए। भारी वजन से उनको खेलने में या उनकी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है उसमें उनको दिक्कत आएगी, तो बहुत सारे शो बटन या क्लिप्स या बहुत सारा घेर, फ्रिल, लेसेस, ये सब उनके कपड़ों में, अगर पार्टी में जा रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए तब वो पहन सकता है, लेकिन पूरे दिन भर में हम ऐसे कपड़े उसको नहीं पहनाएंगे, सिंपल सूती कपड़े उसको पहनाएंगे। नवजात शिशु के जो कपड़े होते हैं वो बहुत अधिक कसे हुए भी नहीं होने चाहिए। अगर टाइट फिटिंग के होंगे तो उसी वक्त उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है, वो खेल भी रहा है, तो वो अपने आप को आराम महसूस नहीं करने देगा, वो अंदर से चिड़चिड़ा हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। इसलिए उसके लिए बहुत ही ढीले से कपड़े होने चाहिए, आराम से वो खेल सके, आराम से उसके कपड़े चेंज कर सके, इस तरह से ढीले कपड़े होने चाहिए। ढीले कपड़ों में भी बहुत कठिन डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से पहनाना है, किसी दूसरे को भी अगर चेंज करना रहा तो दूसरे व्यक्ति को भी पता होना चाहिए, भाई फ्रॉक है तो ऊपर से पहनाते हैं, दोनों हाथ निकालते हैं, गर्दन निकालते हैं और हो गया। लेकिन अगर बहुत ही कठिन उसकी डिज़ाइन होगी तो पहनने में भी परेशानी होगी, कपड़े को उतारने में भी परेशानी होती है और बच्चे को बहुत ही घुटन महसूस होती है। इसलिए बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल और इजी महसूस नहीं करता, इसलिए नवजात शिशु के लिए कॉटन के कपड़े, बिल्कुल सिंपल, कम घेर के और हल्की फुल्की डिज़ाइन के कपड़े होने चाहिए। और जब तक बहुत ही छोटा है तो आगे बिल्कुल डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, वो उल्टे भी सोते हैं इसलिए, और कोशिश करनी चाहिए बटन्स कहीं भी नहीं हो, बिल्कुल छोटी सी डोरियां हो मान लो कंधे पर, तो वो इजीली उनके लिए मतलब चुभेगी भी नहीं और इजीली पहनाए और उतारे जा सकेंगे। फिर हम जो दूसरा टॉपिक ले रहे हैं आज वस्त्र चुनाव में वो है बच्चों के लिए वस्त्र। नवजात शिशु के बाद में जो भी 2 साल या 3 साल से लेके और 8-9 साल 12 साल तक के जो वस्त्र जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो वस्त्र हम चुनते हैं, स्पेशली स्कूल जाने तक 17-18 साल तक के, तो उनके वस्त्र हम इस तरह से पसंद करेंगे कि वो थोड़े उनकी नाप से बड़े होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, एकदम नाप बदल जाती है, तो थोड़े बड़े और ढीले कपड़े होने चाहिए क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र है, उनको उनका डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इसलिए आरामदेह कपड़े होने चाहिए।
कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं हो जो सिकुड़न वाला हो, क्योंकि सिकुड़न वाला अगर होगा तो पहले ही तो उनका जो नाप है वो चेंज होता जा रहा है, उनकी हाइट वेट बढ़ता जा रहा है, और सिकुड़न वाला होगा तो वो कपड़ा उनके टाइट हो जाएगा थोड़े ही दिन में। क्योंकि बच्चे उस वक्त फिजिकली भी बहुत खेलते हैं, दौड़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, गंदगी में भी जाते हैं, ग्राउंड में भी खेलते हैं, तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो इस तरह के कपड़े होने चाहिए कि इजीली वो पहन सकें, बहुत मजबूत होने चाहिए कि फटने नहीं चाहिए, और इतने मजबूत होने चाहिए कि बार बार धुलने के बाद में भी उनका कलर, उनका डिजाइन और ये सब जो है प्रिंट वगैरह नहीं जाए। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है वो, तो कपड़ों पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करके सस्ते और टिकाऊ और मजबूत कपड़े वस्त्रों के लिए, बच्चों के वस्त्रों के ऊपर हमको खर्च करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के कपड़े थोड़े से टाइट हो जाते हैं, या तो हो जाते हैं या अपन टाइट ही लाते हैं, या ला के रख दिया, थोड़े दिन बाद पहना तो बच्चे की हाइट वेट बढ़ जाती है, तो उस समय उसको बहुत अधिक मानसिक तनाव हो जाता है। इसलिए हमको टाइट कपड़े नहीं उनको देने चाहिए, मानसिक तनाव भी हो जाता है, प्लस जब वो खेलते हैं तो उनके जो, अगर मान लो वो हाथ ऊपर करना चाहता है या पैर ऊपर करना चाहता है या टेढ़ा मेढ़ा होना चाहता है, तो अगर टाइट कपड़े हैं तो वो नहीं हिल पाता है। तो इसलिए टाइट कपड़े हम उनको हमको बच्चों के लिए नहीं पसंद करने चाहिए, और उनको ढीले ही कपड़े पहनाने चाहिए। फिर चूंकि ये जो बच्चे हैं वो खेल कूद भी रहे हैं, इनको पसीना भी हो रहा है, इनके कपड़े बहुत ज्यादा धुल रहे हैं, तो मजबूत तो होने ही चाहिए, लेकिन पसीना सोखने के लिए इनको हमको कॉटन कपड़ा मैक्सिमम पहनाना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन कपड़ा है वो इनका पसीना सोख लेगा तो इनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन सिंथेटिक जो कपड़ा होगा वो पसीना नहीं सोखेगा तो इचिंग या कोई दाने या कुछ ऐसा, कुछ रैशेज हो सकते हैं। फिर इनके जो डिजाइंस होते हैं वो छोटी छोटी इंट्रिकेट डिजाइन या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, कार्टून डिजाइन, वो जो है वो छोटे बच्चों को पसंद है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पसंद करते हैं, और बच्चे अधिकतर चटकीले रंगी पसंद करते हैं, लाल, पीला, नीला, इस तरह के कलर पसंद करते हैं। तीसरी तरह का जो आज का टॉपिक है वो है, तीसरा टॉपिक, किशोर युवक और युवतियों के लिए वस्त्र, मतलब जो एडोलेसेंट एज है 13 से 18, किशोर युवक और युवतियाँ मतलब 13 से 18 या 15 से 18 देख लीजिए, तो ये जो बच्चे होते हैं ये फैशन के अनुरूप अपने वस्त्रों को चयन करते हैं। हालांकि उनको फैशन के अनुरूप वस्त्र चयन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सबसे पहले तो उनको ये देख लेना चाहिए कि किस अवसर के लिए ले रहे हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तब जाके उनको फैशन के अनुरूप वस्त्र खरीदने चाहिए। अगर उनको फैशन के अनुरूप वस्त्र खरीदना ही है तो जो चीज़ बहुत महंगे वस्त्रों में आ रही है वही डिज़ाइन सस्ते में भी आती है, तो उनको वो ले लेना चाहिए, और जब तक फैशन है उसको पहन लो, फिर उसको घर पे पहन लो या जैसे भी, क्योंकि अगर महंगा अगर हम फैशन का कपड़ा ले लेते हैं तो थोड़े दिन बाद जब उसको पहनते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए वो फैशन के अनुरूप ले, अगर ले तो भी उनको ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जो एडोलसेंट बच्चे हैं, चूंकि उनका ग्रोइंग एज है ये वाला, और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं उस वक्त, लड़कियों में भी फिजिकली बहुत चेंजेस आते हैं और लड़कों में भी, तो उनको अपने शरीर की जो आकृति है उसके अनुसार वस्त्र देखने चाहिए कि उनके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। फैशन में कुछ भी हो लेकिन उनके ऊपर जो कपड़े अच्छे लगते हैं, जिससे जिस कपड़े को पहन के वो सुंदर लगते हों, आकर्षक लगते हों, और उनके वही रंग और वही डिज़ाइन उनको पसंद करना चाहिए। अधिकतर ये जो युवक और युवतियां होते हैं ये कोई चेक्स और लाइनिंग ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनते, इनको बड़े एब्स्ट्रैक्ट से डिज़ाइन चाहिए होते हैं, टेढ़े मेढ़े से, कुछ कैरियां हैं तो एक कैरी इधर है, एक कैरी ऐसे नहीं कि एक कैरी इधर, एक कैरी इधर, दो कैरी फॉर्मल, ऐसे वाले नहीं, कैरी के ऊपर छोटी कैरी, कुछ इधर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा डिज़ाइन जो होगा, जटिल सा डिज़ाइन, वो डिज़ाइन इनको पसंद आता है, फॉर्मल डिज़ाइन्स पसंद नहीं आते हैं। फिर क्या करते हैं ये जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, इनको अपनी ड्रेसेस में थोड़ा इम्फेसिस चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि आपने सिंपल से एक कपड़े पहन लिए जैसे सब जने पहनते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं, या तो वो उस कपड़े को बिल्कुल टाइट कर देते हैं किसी एक जगह से,
कमर पे से बहुत टाइट कर दिया या नीचे से बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो इम्फेसिस हुआ, ऊपर से बहुत फ्रिल कर दिया या नीचे से ढेर सारा फ्रिल कर दिया तो उनको यूँ लगता है जैसे सलवार बहुत फ्रिल वाली पहन ली तो वो इफेक्टिव हो गया, या ऊपर का टॉपर बहुत ज़्यादा फ्रिली पहन लिया नीचे टाइट पहन लिया, तो मतलब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट करके, बहुत ज़्यादा फ्रिल करके, या बहुत ज़्यादा लंबा ब्लाउज जो नॉर्मल लेंथ होती है कि भाई हमको 15 या 16 इंच का पहनना है तो वो इतना लंबा पहन लेंगे कट वाला दोनों तरफ से कि भाई इम्फेसिस दिखे क्योंकि बाकी तो सब सेम पहन रहे हैं, या फिर अगर कुर्ता पहनना है तो अगर जो सब लंबे कुर्ते पहन रहे हैं तो वो छोटा कुर्ता पहन लेंगे, सब टी शर्ट लंबा पहन रहे हैं तो वो कट वाला छोटा पहन लेंगे, तो उनको अपने ड्रेसेस में टाइट करना, ढीला करना या फिर बहुत लंबे करना या एकदम शॉर्ट कर लेना, वो इम्फेसिस करके उसका प्रभाव डाल के ड्रेस का और वो उसको पहनते हैं। लेकिन उनको बस यही ध्यान रखना चाहिए कि फैशन के अनुरूप अगर हम कपड़े नहीं ले पा रहे हैं तो हमको टेंशन नहीं रखना है, मानसिक तनाव नहीं रखना है, क्योंकि कपड़े हमेशा तन रखने के लिए ही होते हैं, उनको कोई फैशन दिखाने और पैसे दिखाने के लिए नहीं होते हैं। आपके पास में जितनी आर्थिक स्थिति है, और क्योंकि पैसे का घर के खाने के ऊपर भी खर्च होता है, घर के बड़े बूढ़े रोगी हर चीज़ पे, अवसर त्यौहार लेना देना पढ़ाई बहुत सारी चीज़ें होती है, घर के बहुत सारे सामान लाने होते हैं, उपकरण लाने होते हैं, तो सिर्फ एक एडोलेसेंट बच्चे के लिए ही कपड़ों के लिए पैसे नहीं होते हैं, घर में और भी चीज़ों, तो बच्चों को ध्यान रख के अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप टिकाऊ कपड़े खरीदने चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए वस्त्र चुनाव। महिलाओं को अपने आकृति के अनुसार कि कैसी उनकी आकृति है, वो मोटी है तो ऐसे कपड़े लेने चाहिए भाई हल्के और लंबी लाइन के कि वो थोड़ी पतली दिख सके, या फिर पतली है तो इस तरह के डार्क और ऐसे कपड़े कि थोड़ी वो मोटी दिख सके, अगर ठिंगनी है तो लंबी दिख सके ऐसे कपड़े लेने चाहिए, या बहुत नॉर्मल से ज़्यादा हाइट है उसकी तो वो नॉर्मल दिखे ऐसे कपड़े लेने चाहिए। तो अपने शारीरिक जो आकृति या गठन है या उसकी उम्र किस अनुसार है कि अगर 70 साल की है और वो फ्रॉक पहन के जा रही है तो वो भी, हाँ अगर वेस्टर्न कल्चर में है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में वो पहन सकती है, लेकिन इंडियन कंट्री में मतलब इंडिया में अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी एक 70-80 साल की औरत फ्रॉक पहन के जा रही है। तो जो हमारा परिवार, जो हमारा सभ्यता संस्कृति कल्चर जो अलाउ करता है उस अनुसार हमको पहनना चाहिए, या फिर महिलाओं की आकृति या उनका रंग, जो उनका रंग है उसके अनुसार उनके ऊपर कौन सा फबरा है वही कलर उनको पहनना चाहिए, उसके अलावा किस अवसर पर हम पहन रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कि उसका व्यक्तित्व निखर के आ सके, उसकी पर्सनैलिटी उन कपड़ों में अच्छी लगे, कोई सा भी कपड़ा पहने, वो कॉटन पहने सिंथेटिक पहने या शिफॉन पहने कुछ भी पहने, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी एक अच्छी दिख रही है तो उसको वैसा कपड़ा खरीदना चाहिए, उसके अलावा कार्यस्थल को भी देखते हुए उनको कपड़े देखने चाहिए, और कार्यस्थल के अनुसार अगर मौसम उसको नहीं अलाउ कर रहा है तो मौसम के अनुसार भी वो अपने कपड़ों में चेंजेस ला सकती है। फिर लास्ट है पुरुषों के लिए वस्त्र चुनाव। पुरुषों के लिए वस्त्र चुनाव में भी महिलाओं के तरह ही कुछ पॉइंट्स हैं। पुरुषों को अपने उम्र के अनुसार कपड़ों को चुनाव करना चाहिए, उनके शारीरिक गठन के अनुसार, अगर वो बहुत मोटे हैं तो किस अनुसार उनको कपड़े लेने, या उनकी बहुत तौंद आई हुई है या फिर तो किसी भी, या बहुत ठिंगने हैं या बहुत लंबे हैं, उस अनुसार उनको शर्ट और पैंट जो भी वो ट्राउज़र जो पसंद कर रहे हैं उस अनुसार उनको लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फैशन में जो चल रहा है उसी अनुसार वो वैसे ही ट्राउज़र सिलवाए या वैसा ही शर्ट सिलवाए, जो उनके बॉडी के ऊपर उनका व्यक्तित्व को निखार रहा है, पर्सनैलिटी को अच्छी दिखा रहा है, उस अनुसार उनको ट्राउजर सिलवाना चाहिए या शर्ट सिलवाना चाहिए या उसको कपड़े को खरीदना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेल बूटेदार शर्ट
का कपड़ा लेके और वो पहन के और आप कॉलेज चले गए या कहीं और ऑफिसेज में चले गए तो वो नहीं हो पाता है। टी शर्ट्स पहन के अगर हम किसी कार्यस्थल पे जाते हैं तो कई जगह मना हो जाता है कि नहीं आप फॉर्मल्स ही पहनेंगे या ब्लू कलर ही पहनेंगे या लाइनिंग ही पहनेंगे। हाँ, अगर आप शाम को घूमने जा रहे हो, कहीं गोवा जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, तो आप वहाँ कुछ भी पहन सकते हो। वहाँ इस चीज़ का नहीं है कि वहाँ पुरुष महिला, वहाँ सब चीज़ अलाउड होती है। लेकिन अगर हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसके अनुसार हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। और फिर जो जेंट्स के कपड़े, वो बहुत घंटों तक उन्हीं ड्रेस, एक ही ड्रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं वो। महिलाएं तो फिर दिन में कई बार चेंज कर लेती हैं। तो पुरुषों के वस्त्र थोड़े मजबूत होने चाहिए, थोड़े धुलाई सहन करने वाले होने चाहिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, उनके टूरिंग जॉब है, तो फिर इस तरह का होना चाहिए। एक तो लाइट वेट की भाई उनको पकड़ने में, या फिर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो वजन का इशू रहता है। उसके अलावा सिकुड़न विरोधी, कि मतलब धोया सुखाया और फटाफट सूख गया, और अगर प्रेस की नहीं है फैसिलिटी तो भी उन कपड़ों को वो पहन सके, तो इस तरह से भी उनका होना चाहिए। और फिर मौसम के अनुसार, अगर बरसाती मौसम है तो वो थोड़ा चेंज करेंगे अपने कपड़ों में, या फिर सर्दी है या गर्मी, तो मौसम के अनुसार भी वो अपने कपड़ों को चयन कर सकते हैं। और अपने व्यक्ति, अपने कार्य के अनुसार भी, जो भी उसका कार्य है, अगर वो दुकान पे बैठता है या फिर कोई LIC के बैंक में जाता है या महाविद्यालय जाता है या स्कूल जाता है या दूसरे ऑफिस में जाता है, या IAS RAS या फिर बाबू या फिर कोई हलवाई है, तो वो अपने अनुसार अपने कपड़ों का चयन करते हैं। और अधिकतर जो पुरुष है वो प्लेन या चेक्स या लाइनिंग टी शर्ट्स पहनते हैं, और लाइनिंग की या प्लेन जो है वो ट्राउजर्स पसंद करते हैं। तो इस तरह से आज हमने नवजात शिशु के लिए वस्त्र, बच्चों के लिए वस्त्र, किशोर युवक युवतियों के लिए वस्त्र, महिलाओं के लिए वस्त्र चुनाव और पुरुषों के लिए वस्त्र चुनाव के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट टर्न पे हम घरेलू वस्तुओं का चयन, मतलब सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड लिनन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।